everyone welcome back i hope you all are fine and safe so in this video we are going to see the solution of chapter number 10 about kitchen so in the question number 1 choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter

B a frying spoon, C a spoon and D tongs. So answer is B a frying spoon. ठीक है frying spoon से हम पूरीज और पकौड़ास fry होने के बाद निकाल लेते हैं Number टू which of the following tools does not belong to the kitchen? इसमें से कौन सा tool है जो kitchen में नहीं होता है So options are A utensils, B cooker, C bucket, D plate. Answer is C bucket. ठीक है bucket kitchen का एक tool नहीं है नंबर थ्री विच इम्प्लीमेंट इज़ यूजफुल फॉर कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी अगर सोलर एनर्जी से हमें खाना बनाना है तो हमें कौन सा यूटेंसिल्स और इम्प्लीमेंट चाहिए सो ऑप्शन आर ए अ प्रेशर कुकर बी चूल्हा सी अ गैस स्टोव डी अ सोलर कुकर आंसर इज़ डी अ सोलर कुकर ठीक है सोलर एनर्जी से हमें खाना बनाना है तो हमें क्या चाहिए एक सोलर कुकर चाहिए नेक्स्ट नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईटन रॉ इसमें से कौन सी चीज़ हम रॉ uh, भी खा सकते हैं मीन्स कच्चा भी खा सकते हैं बिना पकाए भी खा सकते हैं सो ऑप्शन आर ए पोटैटो बी राउंड गार्ड सी कोकुम्बर डी गार्ड आंसर है सी कोकुम्बर को कोकुम्बर को बिना पकाए ही खा लिया जाता है नंबर फाइव विच कुकिंग मेथड इज़ यूज फॉर मेकिंग भाकरी ठीक है भाकरी बनाने के लिए कौन सा कुकिंग मेथड यूज़ किया जाता है ऑप्शंस आर ए रोस्टिंग बी फ्राइंग सी स्टीमिंग डी शैलो फ्राइंग आंसर इज़ ए रोस्टिंग ठीक है भाकरी जो होती है हो, उसको हम रोस्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स विच फूड इज़ कुक्ड बाई स्टीमिंग स्टीमिंग से कौन सा फूड आइटम बनाया जाता है ऑप्शन आर ए रोटी बी खमन सी पूरी डी भाकरी आंसर इज बी खमन खमन जो है वो स्टीम करके बनाया जाता है नंबर सेवन ईटिंग टू मच फूड कुक्ड बाई विच मेथड कैन प्रूव हार्मफुल टू हेल्थ इसमें से कौन सा कुकिंग मेथड है जो उस मेथड से अगर हम पकाया हुआ खाना अगर ज़्यादा खाते हैं तो हमारा हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है तो ऑप्शनज़ आर ए रोस्टेड बी स्टीम्ड, सी फ्राइड डी बॉयल्ड आंसर इज़ सी फ्राइड ठीक है फ्राइड फूड ज़्यादा खाने से हमारी हेल्थ में नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं नेक्स्ट एट विद आउट वॉट डज़ फूड टेस्ट ब्लैंड ठीक है इसमें से कौन सा फूड आइटम इसमें से कौन सा आइटम है जिसे अगर हम खाने में ना डालें तो खाना जो है फ़ीका लगता है यप्शंस आर ए सॉल्ट बी मस्टर्ड सी टर्मेरिक डी गार्लिक आंसर इज़ ए सॉल्ट ठीक है नमक नहीं डालते हैं तो हमारा खाना फीका लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड नंबर वन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कुक फूड इज़ इन अ सोलर कुकर इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम द डैश आंसर इज़ सन ठीक है सोलर कुकर में अगर हमें खाना बनाना है तो जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है सन से मिलती है ठीक है विच इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी नेक्स्ट नंबर टू द डैश मेथड ऑफ कुकिंग इज़ यूज टू मेक ढोकलास आंसर स्टीमिंग ठीक है ढोकलाज बनाने के लिए कौन सा कुकिंग मेथड यूज़ होता है स्टीमिंग नंबर थ्री वी यूज डैश टू लाइट अ चूला चूल्हा जलाने के लिए हमें क्या चाहिए फ्यूल आंसर इज फ्यूल नंबर फोर यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम डैश आर हार्डेंड इन अ केन ब्रेक ऑन डैशिंग अगेंस्ट एनी ठीक है जो यूटेंसिल्स क्ले से बनते हैं ठीक है, है? उन्हें किन में पकाया जाता है ठीक है सो आंसर इज़ क्ले नंबर फाइव फूड मेड इन अ कुकर इज़ कुकड बाय द डैश मेथड ठीक है इसमें आंसर आएगा बॉइलिंग ओके सो फूड मेड इन कुकर इज़ कुक्ड बाय द बॉइलिंग मेथड ठीक है सो वी कैन लेट्स द आंसर बी ओ आई एल आई एन जी ओके इट्स बॉइलिंग सो आंसर नंबर फाइव इज बॉइलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स योर मदर इज़ मेकिंग फेन्योग पकौड़ाज मेथीना गोटा सो मदर इज़ यूजिंग द डैश मेथड ऑफ़ कुकिंग ठीक है अगर आपकी मम्मी मेथी ना गोटा इफ़ शी इज़ कुकिंग मेथी ना गोटा सो तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे कुकिंग का आंसर इज डीप फ्राई ठीक है उनको डीप फ्राई करना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री

आंसर इज़ फॉल्स ठीक है टी बनाने के लिए राउंड पॉट नहीं यूज़ किया जाता है राइट नेक्स्ट नंबर फोर वी कैन ईट कैरेट्स टमेटोज एंड कोकुम्बर रॉ क्या हम कैरेट टमेटो और कोकुम्बर को कच्चा खा सकते हैं येस द स्टेटमेंट इज़ ट्रू नंबर फाइव रोशन मेक मेक्स ढोकलाज ही विल यूज़ द रोस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स ठीक है रोशन ने ढोकला बनाया और उसने रोस्टिंग मेथड यूज़ किया आंसर इज़ फॉल्ट ठीक है फॉल्स ढोकलास कैसे बनते हैं स्टीम करके बनते हैं नंबर सिक्स फूड इज़ कुकड इन अ सोला कुकर विद द हीट ऑफ द सन ठीक है सोला कुकर uh, uh, के अंदर जो खाना बनाया जाता है उसमें क्या यूज़ होता है हीट ऑफ द सन ठीक है सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू नंबर सेवन लेमनेड इज मेड बाय एडिंग शुगर एंड लेमन जूस टू वाटर ठीक है लेमन लेमनेड अगर हमें बनाना है तो हम क्या ऐड करेंगे शुगर एंड लेमन जूस इन द वाटर सो द स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली सो नंबर वन फ्राइंग आंसर इज सी पूरी नेक्स्ट रोस्टिंग आंसर इज डी भाकरी ठीक है जैसे नंबर वन था फ्राइंग तो फ्राइंग मेथड किसके लिए यूज़ होता है पूरी पूरी बनाने के लिए नेक्स्ट है रोस्टिंग रोस्टिंग क्या बनाने के लिए यूज़ होता है भाकरी बनाने के लिए यूज़ होता है नेक्स्ट थ्री स्टीमिंग सो स्टीम हम क्या करते हैं आंसर इज़ ए ढोकलास ढोकलास को स्टीम करते हैं नेक्स्ट नंबर फोर शैलो फ्राइंग आंसर इज़ एफ पराठा ठीक है पराठा को हम शैलो फ्राई करते हैं नेक्स्ट नंबर फाइव रोस्टिंग ऑन फायर ठीक है कौन सी चीज़ हम फायर पर रोस्ट करते हैं आंसर इज़ बी कॉर्न ऑन द कॉप नेक्स्ट नंबर फाइव गिवन बिलो आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स कुकड बाई ईच ऑफ दिस मैथड्स एड सम मोर मैथड ऑफ कुकिंग टू द लेस्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स ठीक है यहाँ पर हमें मेथड्स ऑफ कुकिंग दी है और हमें कुछ ना कुछ फूड आइटम्स के बारे में यहाँ पर लिखना है ठीक है टू और थ्री यू कैन राइट सो नंबर वन रोस्टिंग रोस्टिंग से हम क्या बनाते हैं भाखरी एंड चपाती नंबर टू स्टीमिंग स्टीमिंग से क्या बनाते हैं हम राइस एंड खामन नेक्स्ट नंबर थ्री फ्राइंग फ्राइंग से हम क्या बनाते हैं पूरी एंड समोसा नंबर फोर बेकिंग बेकिंग से हम क्या बनाते हैं केक एंड कुकीज़ नंबर फाइव बॉइलिंग ठीक है यहाँ पे हमें दो मेथड्स और ऐड करनी है सो आई हैव एडेड बॉइलिंग सो बॉयलिंग से हम क्या बनाते हैं सूप एंड खिचड़ी नंबर सिक्स शैलो फ्राइंग शैलो फ्राइंग से हम क्या आइटम्स बनाते हैं वेजिटेबल्स एंड पराठाज़ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स कलर द स्पेस इन द पिक्चर विच हैव डॉट्स इन दैम नेम द यूटेंसल्स दैट आर सीन ठीक है यहाँ पे क्या करना है हमें एक पिक्चर दिया हुआ है तो जहाँ पर हमें डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पर हमें कलर फिल कर देना है ठीक है यू कैन फिल द कलर ऑफ़ योर ओन चॉइस यू कैन टेक एनी कलर ओके सो है येलो कलर ठीक है येलो कलर फिल करने के बाद आपको कुछ यूटेंसल्स दिखेंगे किचन किचन के आइटम्स ठीक है किचन के यूटेंसिल्स दिखेंगे तो आपको क्या करना है उनके नेम्स यहाँ पे गिवन स्पेस में लिखना है ठीक है तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं वी कैन सी अ फ्राइंग पैन पॉट सर्विंग स्पून स्पैटिला रोटी तवा प्रेशर कुकर फ्राइंग लैडल नॉन स्टिक पैन ठीक है सो हेयर वी कम्प्लीट आर क्वेश्चन नंबर सिक्स सो इफ यू हैव एनी डाउट query or suggestion regarding this video let me know in the comment section i will see you in the next video with the second part of this chapter till then bye bye take care